तो बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका चमकते सितारे की इस क्लास में। इसका अगला जो सब टॉपिक है हमारा वो है सुनीता विलियम्स के बारे में, यानी आपकी अगली राइजिंग स्टार है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री। और न केवल अंतरिक्ष यात्री है बल्कि देखिए ये जो है दो बार अंतरिक्ष में गई है और अब तक सबसे ज्यादा समय तक अपने सबसे ज्यादा समय तक अधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का खिताब भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है आपसे पूछा जाता है, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। कौन है? तो वो है आपकी सुनीता विलियम्स। इन्होंने 6 महीने से अधिक का समय यहां पर व्यतीत किया है। कितने टाइम तक रही हैं? 6 माह से अधिक, मोर देन 6 मंथ का समय अंतरिक्ष में रही। बहुत लंबा समय होता है बेटा 6 महीने का, वो भी स्पेस में रहना। ठीक है, जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो उसके बावजूद भी वहां पर सर्वाइव करना एक जीरो ग्रेविटी पर। अब देखिए किसके द्वारा गई होंगी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अंतरिक्ष यान के द्वारा गई होंगी। इससे पहले कल्पना चावला गई थी, कल्पना चावला गई थी और कल्पना चावला का सपना था कि वो भारत आएंगी और बच्चों से अपने जो वहां के अंतरिक्ष स्कूल के बच्चों से जो अपने स्पेस के एक्सपीरियंस हैं अनुभवों को साझा करेंगी। लेकिन ये सपना कल्पना चावला का अधूरा सपना किसने पूरा किया? कल्पना चावला का अधूरा सपना किसने पूरा किया था? वो पूरा किया सुनीता विलियम्स ने पूरा किया। अब देखो बच्चे बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। जब ये पहली बार बच्चों से मिली वहां के बाद, तो इन्होंने पूछा, जैसे इन्होंने बच्चों से पूछते हैं हम लोग, बेटा क्या बनोगे? बोले एक कहता है मैं पुलिस बनूंगा, एक कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कुछ कहता है। तो इनसे पूछा, बच्चों ने भी पूछा, मैम आप क्या बनोगी? छोटे बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा शिक्षिका, टीचर। क्यों? जिससे कि मैं ये बता सकूं, सुनीता विलियम्स के शब्दों में मैं बता रहा हूं, जिससे कि वो बता सकें बच्चों को कि किस प्रकार विज्ञान और गणित जिंदगी से जुड़े हुए हैं, साइंस और मैथमेटिक्स के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है। ठीक है, अब देखो भाई बचपन में इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? तैराकी में थी। बचपन में खेल कूदों में ज्यादा रुचि थी, खासतौर से किसमें? तैराकी में। तैराकी में रुचि थी लेकिन डेस्टिनी का कुछ पता नहीं, ये क्या बन गई? हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। हेलीकॉप्टर पायलट ये बनी, हेलीकॉप्टर पायलट बनी। बाद में इनका सिलेक्शन हुआ किसके लिए? अंतरिक्ष यात्री के लिए। तो ये डेस्टिनी कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ना कुछ प्रेरणा का स्रोत तो होता है। प्रेरणा का स्रोत इनको क्या मिला, कहां से मिला? तो आपको यदि पता हो तो नील आर्मस्ट्रांग है ना, रशिया के रहने वाले थे, जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग या नील्स आर्मस्ट्रांग, दोनों वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, अलग अलग, आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। तब ये 5 साल की थी, तब इनको प्रेरणा मिली, क्योंकि उस समय टीवी वगैरह का जमाना नहीं था, क्या रेडियो पर खबर आती थी कि अरे भाई चंद्रमा पर भी हम पहुंच गए, मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रख लिया। तब बचपन में कहती थी मैं भी चंद्रमा पर जाऊंगी, मैं भी चंद्रमा पर जाऊंगी। तो इनको प्रेरणा किससे मिली थी? इनसे, इनकी, इनको प्रेरणा मिली। अब देखो कुछ बात करते हैं, ये स्पेस में गई तो वहां पर तारे वारे और नजदीक से दिखाई देंगे, तो तारों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि तारे रात, ये जो होते हैं रात में ही क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते? तो बेटे जो तारे होंगे, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। हर सूर्य भी एक तारा है, या यूं कहो हर तारा अपने आप में क्या है? सूर्य है। हर तारा अपने आप में क्या है? एक सूर्य है। तो ये तारे हैं, तारे हमसे बहुत दूर है लेकिन इनके पास भी अपना प्रकाश है। और यहां पर है आपका सूर्य देव और यहां है अर्थ। अब सूर्य का प्रकाश, पहली चीज तो दूर है, और सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो ये तारों की रोशनी थोड़ा दिखाई देगी आपको। ऐसे मानो कि
किसी रूम में, जैसे कि मान लीजिए इस रूम में बहुत सारी ट्यूबलाइट चल रही हैं, जहां पर ये स्टूडियो है जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूं, तो बच्चों यहां पर एक छोटी सी दिया रख दिया जाए तो क्या उसकी रोशनी को हम नोटिस कर पाएंगे? नहीं। सेम काम यह होता है कि तारे जो होते हैं रात में इसलिए दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं चमकते तो हमेशा है, इसलिए रात में दिन में दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, लेकिन रात में जब सूर्य देव घूम जाते हैं भाई पृथ्वी घूम जाएगी इधर को, और तो यहाँ के जो तारे होंगे उनकी रोशनी आपको क्लियर कट करके दिखाई देगी। तो तारे आपको इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश के मुकाबले कम होता है। अब बात करते हैं, देखिए अंतरिक्ष में क्या होता है, ग्रेविटी जीरो होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा आप। गुरुत्वाकर्षण बल इसको आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये स्पेस में क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, जीरो होता है। अब जीरो होगा, देखिए ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर रह रहे नत्थूलाल जी, यहां रह रहे राम भरोसे, यहां रह रहे राम भरोसे, यहां पर रह रही है चंपा और यहां रह रही है चमेली। अब यदि यहां से गड्ढा खोद दूं तो गिरेंगे यहां पर, यहां गड्ढा खोद दूं यहां गिरेंगे, यहां पर गड्ढा खोद दिया जाए यहां पर और यहां पर। होता क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। न केवल पृथ्वी बल्कि जितने भी ग्रह हैं सबके अंदर एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, जितना पृथ्वी पर होगा जी की वैल्यू, पृथ्वी पर जितनी जी की वैल्यू होगी चंद्रमा पर इसकी कितनी होगी, 1/6 होगी। तो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वो चंद्रमा के मुकाबले 6 गुना होता है, ऐसा मान लीजिए। चंद्रमा का 1/6 भाग हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, जी मून तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/6 इंटू जी इंटू अर्थ, एक ही तो बात हो गई। तो पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी के मान के, यानी कि जी का मान के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी पर 6 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर चलना आसान नहीं है, चंद्रमा पर कूदते कूदते चलते हैं आप। पहली चीज तो पहुंचना ही आसान नहीं है, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, अब इन्होंने कदम रखा या नहीं रखा, नासा तो इस पर आज भी क्वेश्चन उठाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, रशियन थे ये, तो खैर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि रखा या नहीं रखा, ये तो वो जाने या जो भी प्रूफ्स हैं उनसे पता चलेगा, इतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जो टिके होते हैं पृथ्वी पर किसकी वजह से टिके होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टिके होते हैं। अब बात क्या करेंगे, स्पेस में अंतरिक्ष में जी की व्यवहार शून्य होता है तो फिर वहां टिक नहीं सकते। अब अंतरिक्ष यान है, यदि उस वहां पर भी जाना होता है तो आपको क्या करना, जंजीर से बांध लेते हैं अपने आप को, नहीं तो यदि अंतरिक्ष में तैरेंगे तो आप तैरते ही रह जाएंगे। दूसरी चीज, टेबल वेबल की जरूरत नहीं पड़ती, प्लेट को यहां पर छोड़ दिया ऐसी वहीं पर रुक जाएगी, वहीं पर हम सब खाना पीना खा सकते हैं। बालों को कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बाल तो हमेशा खड़े रहते हैं। अब सोचो कि जो सुनीता विलियम्स यदि बड़े बाल रखती, हालांकि छोटे रखती हैं, तो कैसे होते, जैसे सैफ की टोपी होती है ना, इस तरह के बाल बन चुके होते। दूसरी बात, तो चल तो पानी क्या, अंतरिक्ष में आप चल नहीं सकते, फिर दूसरी बार क्या, हमेशा तैरते रहेंगे। अंतरिक्ष में क्या होते हैं, आप तैरते रहते हैं, चल नहीं पाते तैरते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या करते हैं, सुनीता विलियम्स क्या करती थी, पानी के बुलबुलों को पकड़ करके, बुलबुलों को पकड़ करके मुंह पर पहुंचती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है इतना पानी मिल रहा है कि नहाएंगे धोएंगे वहां पर, इस बात को आप भूल जाए। सुनीता विलियम्स ने कुछ चित्र भेजे थे अलग अलग तारीखों में, तो उन सबकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम इनको स्किप करेंगे, ठीक है। अब ऊपर से क्या क्या दिखाई देता है, ऊपर से क्या दिखाई देगा कि ये भारत है ये पाकिस्तान है, नहीं, या तो समुद्र दिखाई देगा या धरती दिखाई देगी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज और बात करते हैं कि चंद्रमा से जुड़े हुए त्योहार कौन कौन से हैं, चांद से जुड़े हुए त्योहार, चांद से जुड़े हुए जो त्योहार हैं बेटा, इस पर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट भी, चांद से जुड़े हुए त्योहार कौन कौन से होते हैं आपके, तो देखो दीपावली यानी कि दिवाली, होली, ठीक है, गुरु पूर्णिमा आदि इत्यादि, ठीक है, रमजान, ईद, ये सब चांद से जुड़े हुए त्योहार हैं। अब
कई बार आपको बड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पूर्णमासी पर क्या होता है। पूर्णमासी पर पूरा चांद दिखाई देता है। तो पूर्णमासी पर कौन कौन से त्योहार होते हैं, जैसे कि अमावस्या पर होती है दीपावली, होली होती है, पूर्णमासी होती है जिस दिन, उस दिन रात को होली होती है, अगले दिन रंग खेलता है। गुरु पूर्णिमा भी पूर्णमासी पर होती है। तो चांद कब पूरा दिखता है आपका, पूर्णमासी पर पूरा चांद दिखाई देता है। तो ये त्योहार कब कब होते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पूर्णमासी पर होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये बहुत जरूरी है। ओके, अब ये बात तो हुई, किसकी बारे में बात हुई, इसके बारे में बात हुई, चांद से जुड़े हुए त्योहार के बारे में। आगे हम यदि चर्चा करें आपकी, तो देखो बेटा, यदि आपसे पूछा जाता ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, ध्रुव तारा, तारों के बारे में और भी चर्चा करें, चंद्रमा भी एक तारा ही है आपका, ठीक है, हालांकि उसके पास प्रकाश नहीं है। तो ध्रुव तारा, तारे की शर्त होती है प्रकाश होना चाहिए, है ना, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किसमें दिखाई देता है, उत्तर दिशा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा गया क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है बच्चों, तो ध्रुव तारा दिखाई देता है आपका उत्तर दिशा में, ठीक है। अब तारे टिमटिमाते हैं, अगर कोई चमकीली, देखिए तारों का काम क्या है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किस कारण होता है, तारों का टिमटिमाना, इसका रीजन लिख लो। तारों का जो टिमटिमाना होता है बेटा, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है, इतना आपको नहीं पढ़ना, फिजिक्स का फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं इसको। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो तारे तो टिमटिमाते रहते हैं अपनी जगह पर, लेकिन यदि कोई जलती हुई चीज दिखाई दे तो वो क्या होती है, टूटता तारा, उसको क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारे के नाम से जानते हैं। तो टूटता तारा होता क्या है, बेसिकली उल्का पिंड होता है, टूटता तारा। टूटता हुआ तारा क्या होता है, जिसको देख करके आप विश मांगते हैं, तो भैया विश विश पूरी होती है नहीं होती ये तो हमको नहीं पता, लेकिन वास्तव में क्या होता है ना, उसको आप देख लीजिए। तो बेटा ये टूटता तारा है बेसिकली उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड क्या होगा, एक जैसे कि पृथ्वी है, कोई बड़ा सा पहाड़ वहाड़ सा होगा, है ना, वो कहीं से उड़ करके आ गया, फ्री होकर के आ गया, पृथ्वी के जब आएगा गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में, तो यहां पर क्या है, एटमॉस्फियर है, एयर है, इस एयर के संपर्क में आएगा और घर्षण बल के कारण उसके अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो आपको जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो टूटता तारा होगा। यदि चमकीली वस्तु आप बहुत देर तक आपको लगातार दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो सकती है, उपग्रह हो सकती है, सैटेलाइट हो सकता है। क्या होगा, सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह, जो हम छोड़ते हैं किसके लिए, सैटेलाइट किस लिए छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स जिन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं, ये किस लिए छोड़े जाते हैं, इससे हम मौसम की जानकारी लेते हैं। पूरे अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। मौसम की जानकारी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की वजह से छोड़ा जाता है, ठीक है। मोबाइल जो है आपका, वह उसके नेटवर्क के लिए छोड़ा जाता है। आसमान में आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, उनके रेडियो कनेक्शन के लिए ये छोड़े जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके बारे में है। दूसरी बात, अब आगे यदि हम बात करें तो नक्शे पर, नक्शे की यदि बात करेंगे, तो नक्शे के अंदर क्या होता है, नक्शा जो होगा, नक्शा यानी कि मैप, नक्शा अर्थात मैप, नक्शा या मैप जो होता है बच्चों, इस नक्शे या मैप में बेसिकली देखेंगे आप, तो जो नीला रंग होता है वो पानी का होगा, हरा रंग वनस्पति का होगा, और भूरा रंग पठार का होगा। भूरा रंग कैसा होता है, पठार का। पठार क्या होते हैं, वो बेसिकली छोटे पहाड़ को पठार कहते हैं, जहां पर पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है। तो पहाड़ी क्षेत्र को भी हम भूरे रंग से कई बार दिखाते हैं, जैसे कि एक नक्शा आपको मैं दिखाता हूं, ये मेरे आंखों के सामने एक नक्शा है, इसमें आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी समुद्र वाला क्षेत्र है, तो ये कैसा नीला क्षेत्र है, नीला क्षेत्र है। जितना ग्रीनिश एरिया दिखाया गया है, ये वनस्पतियों के लिए दिखाया गया है, और जो आपका कत्थई सा एरिया है वो पठार के लिए, फिर पहाड़ों के लिए, ये चीज आपको इसके अंदर दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप था आपके सामने, ओके। बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसके बारे में अभी अलग से भी चर्चा कर लेंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो किसको नीले रंग को बेसिकली पूछा जाता है, पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है, और वनस्पति को किस रंग से दर्शाया जाता है। यही कारण है कि जो आर्मी की वर्दी होती है वो हरी वर्दी है, जिससे कि वो आसानी से पेड़ पौधों के बीच में छिप जाए, ओके।
अब देखो ग्लोब की बात करें हम, देखो अर्थ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ग्लोब के द्वारा। अब मान लो ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहां पर मान लो अर्जेंटीना है, ठीक है, और यहां पर भारत है, तो ये एक दूसरे के नीचे की होंगे बिल्कुल। क्या कहेंगे कि हम बिल्कुल नीचे हैं एक दूसरे से। तो ध्यान रखना, भारत और अर्जेंटीना ग्लोब में एक दूसरे से क्या है, नीचे की ओर होते हैं। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहीं पर, क्या क्वेश्चन बनता है कि ढलान से जो पानी गिरता है वो किसकी वजह से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात हुई किसके बारे में, थोड़ी सी सुनीता विलियम्स के बारे में बात हुई, कुछ आपकी स्पेस के बारे में बात हुई। तो अगला वीडियो आपका रहेगा बैचेंद्री पाल के बारे में, तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, तब तक के लिए।